चार दिनों के अवकाश के बाद खुली नीमच कृषि उपज मंडी। उपज की हुई बंपर आवक, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन व प्याज लेकर पहुंचे किसान। नीमच कृषि उपज मंडी में बीते चार दिनों से अवकाश के चलते बंद थी। आज मंगलवार को जैसे ही मंडी खुली, मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर पहुंचे। विशेष रूप से गेहूं, सोयाबीन, धनिया, लहसुन और प्याज की बंपर आवक हुई। ज्ञात रहे कि शुक्रवार, शनिवार व रविवार को शासकीय अवकाश के कारण सोमवार को शासन के द्वारा पूर्ण अवकाश घोषित होने से चार दिन से कृषि उपज मंडी बंद थी। त्योहारों का सीजन भी नजदीक आ चुका था व कृषि कार्य भी खेतों में चल रहा है, जिसके लिए मजदूरों को भुगतान व अन्य आवश्यक सामग्री के लिए किसानों को पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में किसान अपनी उपज लेकर नीमच कृषि उपज मंडी पहुँच रहा है ताकि वह अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर आगे की तैयारी कर सके। कृषि उपज मंडी में व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में मंडी में किसान बड़ी संख्या में आएंगे और अच्छी उपज का दाम प्राप्त करेंगे। त्योहारों को देखते हुए किसानों के कृषि उपज मंडी में आने के अच्छे आसार है। प्याज और लहसुन जैसी उपज में भी नीमच कृषि उपज मंडी में अच्छे दाम मिल रहे हैं, इससे किसान आकर्षित हो रहे हैं। शनि रवि की छुट्टी थी डिक्लेयर ऑलरेडी, फिर उसके बाद अपने मुख्यमंत्री महोदय ने सोमवार की भी कर दी थी, तो चार दिन की छुट्टी हो गई। त्योहारों का टाइम है, सीजन है, दिवाली आ रही है सामने, तो किसान आज माल लाया भरपूर, क्योंकि चार दिन बाद उसको फिर मौका मिला। फिर आगे फिर वापस छुट्टी आ जाएगी, कुछ मुस्लिम वर्ग की और गैर दो तरह की छुट्टियाँ आती जाती रहती। ऐसे में जब जब भी मंडी खुलेगी खूब माल है, तो आज क्या है, गेहूँ बहुत है, अपना लहसुन प्याज बहुत है, माल मतलब सभी माल है, लोगों को बेचना है, किसानों का माल खेत भी तैयार हो गए हैं, खेत में काम बो दिया है और कुछ बोनी चल रही है, इसलिए मंडी तो बहुत पिक पे है, अच्छी ओन पे, सब मंडियाँ अच्छी रहेगी पूरी मध्य प्रदेश में, सब जगह माल जहाँ भी है मंडियाँ अच्छी आ रही है। भाव भी खूब है, बहुत आकर्षक भाव है, लहसुन बहुत ऊंचा बिक रहा है, 100 रुपये से 150 रुपये लहसुन है, प्याज के भाव 40 से 60 रुपये के हैं। ऐसे में माल बेचना ही किसानों को, सोयाबीन 45 रुपये बिक रही है।